हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे टॉप 5 स्मार्टफोन जिनकी प्राइस अंडर 15,000 तक होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे आता है रियलमी की तरफ से रियलमी 7 फ़ोन, जिसमें आपको 6.5 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज तक होगा। साथ ही आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा एंड यहाँ पर 5000 mAh बैटरी विथ 30W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर मीडियाटेक हेलोजी 95 का प्रोसेसर दिया जाएगा एंड यहाँ पर 6GB रैम एंड 64GB का स्टोरेज दिया जाएगा और इसकी प्राइस है 14,999। फ़ोन की बात करें तो ये एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, जहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया कैमरा एंड बढ़िया परफॉर्मेंस मिल जाता है। स्पेशली आप गेमिंग करते हैं तो इस फ़ोन में आपको गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया होने वाला है, जहाँ पर आपको गुड बैटरी विथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाएगा। नंबर 2 पर आता है पोको की तरफ से पोको M2 Pro, जिसमें आपको 6.67 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज तक है एंड साथ ही यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है एंड फ्रंट में 60 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 5000 mAh बैटरी विथ 33W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर मिल जाता है एंड यहाँ पर 6GB रैम एंड 64GB का स्टोरेज मिल जाता है और इसकी प्राइस होगी 13,999 रुपीज़। बाकी इस फ़ोन की बात करें तो ये पोको की तरफ से आने वाला एक ऑलराउंडर स्मार्टफोन है, जो कि काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देते हैं, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा डिस्प्ले मिल जाता है विद गुड बैटरी बैकअप के साथ। नंबर 3 पर आता है सैमसंग गैलेक्सी F41, जिसमें आपको 6.4 इंचेस का फुल एचडी सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। कैमरा की बात करें तो 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो 6000 mAh की बड़ी बैटरी विथ 15W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर एक्सनॉस 9611 का प्रोसेसर मिल जाता है एंड 6GB रैम एंड 64GB का स्टोरेज मिल जाएगा और इसकी प्राइस है 15,499 रुपीज़। बाकी इस फ़ोन की बात करें तो ये सैमसंग की तरफ से आने वाला काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है, साथ ही यहाँ पर काफ़ी बढ़िया कैमरा एंड डिस्प्ले मिल जाता है। और मैं ये फ़ोन उनको सजेस्ट करूँगा जो लोग गेमिंग एंड हेवी टास्क नहीं करते, उनके लिए ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है। नंबर 4 पर आता है इन्फिनिक्स 08i, इसमें आपको 6.85 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले एंड रियर साइड में 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाता है। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 4500 mAh बैटरी विथ फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जाएगा। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर मीडियाटेक हेलोजी 90T का प्रोसेसर मिल जाता है, साथ ही यहाँ पर 6GB रैम एंड 128GB का स्टोरेज मिल जाएगा। प्राइस की बात करें तो ये फ़ोन सिर्फ 14,999 में आता है। बाकी इस फ़ोन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया बिग डिस्प्ले मिल जाता है विद गुड बैटरी बैकअप के साथ, साथ ही यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया कैमरा एंड परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। नंबर 5 पर आता है रियलमी की तरफ से रियलमी नार्जो 20 प्रो, इसमें आपको 6.5 इंचेस का फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाता है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज तक होगा। बात करें कैमरा की तो यहाँ पर 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप एंड फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिल जाएगा। बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 4500 mAh बैटरी विद 65W फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो यहाँ पर मीडियाटेक हेलोजी 95 का प्रोसेसर मिल जाता है, साथ ही यहाँ पर 6GB रैम एंड 128GB का स्टोरेज भी दिया जाता है और इसकी प्राइस है 14,999 रुपीज़। बाकी इस फ़ोन की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बढ़िया डिज़ाइन देखने को मिलता है एज वेल एज आपको यहाँ पर पंच होल डिस्प्ले मिलने वाला है, जिसका रिफ्रेश रेट 90 हर्ट्ज तक है। साथ ही यहाँ पर आपको काफ़ी बढ़िया बैटरी विद फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है, जो प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया स्मार्टफोन है। स्पेशली आप गेमिंग करते हैं तो इस फ़ोन में आप काफ़ी बढ़िया से गेमिंग कर सकते हैं। नंबर 6 पर आता है Xiaomi की तरफ से Redmi Note 9। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।